Okay, so let's get back to this. See, what are the things we are going to cover in basic mathematics? See, this is literally going to act as a bridge between your 10th and 11th syllabus, okay? So firstly, I'll be discussing the number system, which you have in some part studied in your 9th and as well as 10th standard. Then I'll come back to ratio proportion, then logarithms. Then I'll be teaching you about modulus, that is absolute value function. Then factor theorem. Kya hua bolo? देखो दिखाई दे रहा है अक्षिता. हेलो. यस सर. यस सर. हाँ सो फोकस हियर. ओके. हाँ यस सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी आई एम टेलिंग यू कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन बेसिक मैथमेटिक्स बिकॉज़ दिस इज समथिंग व्हिच इज नीडेड टू स्टडी फर्दर. ओके. इन फैक्ट प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग द 11th सिलेबस वी हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स. All right. So let's get started. Now, if I ask you a simple thing, say x square, if I say it is equal to 4, what are the values of x you are going to write? देखो x square और 4 हुआ तो x हम क्या-क्या कह सकते हैं? Minus 4 and plus 4. Plus minus 2 होगा ना बच्चे? Sorry. अब देखो सिमिलरली अगर मैंने अब लिख दिया माइनस फोर तो देखो अब क्या लिखोगे एक्स का वैल्यू? सर वी इट विल बी इमेजिनरी वी कांट टेक आउट स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर. राइट. सो यू आर फेमिलियर विथ एन इमेजिनरी क्वांटिटी. सो फर्स्ट लेट्स कंसिडर दिस. देखो तो बेसिक नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले द इंट्रोडक्शन टू इमेजिनरी नंबर्स दैट इज नेसेसरी. सी व्हाट वी डू इज वी आर गोइंग टू अज्यूम से स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन लेट इट बी आई. ओके. सो दिस मीन्स आई स्क्वायर आई विल राइट एज माइनस वन. देखो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है लेकिन यहाँ पे एक गलती अक्सर बच्चे करते हैं. देखो आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई. इसे माइनस वन इंटू माइनस वन. देखो वेयर इज द एरर व्हाट आई एम डूइंग वेयर इज द एरर कैन यू स्पॉट. तो कायदे से तो ये वन लिखना चाहिए. तो क्या यहाँ पे मैंने सही लिखा है? बताओ इज इट करेक्ट? No, sir. Where is the error? No. Tell me. Error कहाँ है बताओ? देखो ध्यान से. मैंने यहाँ से यहाँ जो step लिखा है. देखो what I have done. I have done root x into root y को मैंने root xy लिख दिया है. Yes. लेकिन ये तभी valid होता है याद रखो if x and y both of them are greater than equal to zero. और यहां मैंने इस प्रिंसिपल को वायलेट किया. दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग. तो ऑलवेज रिमेंबर आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस. अब देखो आई का डिफरेंट पावर्स से रिलेशन क्या आता है? देखो आई स्क्वायर अगर माइनस वन है आई क्यूब क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे. तो दिस इज माइनस वन इंटू आई यानी ये माइनस आई हो जाए. I to the power 4 will be I square into I square. That is minus 1 into minus 1. Kitna hua? 1. What about I to the power 5? Dekho, I to the power 4 into I. Yani kitna hua? 1 into I. Yani I. 1 into I. To I ho jayega? I. I to the power 6 kya likhenge? Dekho, I to the power 4 into I square. Yes, sir. I to the power 4 is how much? 1? 1. I square is minus 1. So the result is how much? Minus 1. Minus 1. I to the power 7 kya likhoge bolo? Dekho I to the power 6 into I. Ab I to the power 6 dekho minus 1 hai. To ye minus I ho gaya.
आई यस टू द सर, पावर एट, एट क्या होगा बोलो, आई आई टू द टू द पावर पास, फोर, यस, 4 × 4, आई टू द पावर फोर, यस 4 + 4 8 होता है पावर। तो देखो वन यस इंटू वन कितना हो गया, वन। अब देखो द थिंग वन विच आई टू वॉन्ट, क्या हो गया? मैं जो तुम्हें मार्क करने के लिए बोल रहा हूं वो देखो। देखो ये पावर जब भी 4 का इंटीग्रल मल्टीपल है, देखो 4 × 1, 4 × 2, देखो व्हाट इज द वैल्यू यू आर गेटिंग, वन। तो सेम वन, आई टू द पावर 4 × n, वेर n इज एन इंटीजर, कैन आई से दिस विल बी इक्वल टू वन। यस देखो यस आई हो गया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट देखो वन, आई का पावर जैसे ही 4n किया तो ये 1 हो गया। अब अगला आई का यस पावर 4n + 1 क्या लिखेंगे बताओ। देखो कैन आई ब्रेक इट अप लाइक दिस, देखो आई टू द पावर 4n + 1, आई टू द पावर 4n इनटू आई टू द पावर 1 लिख सकते हैं। यस सर, ये कितना हुआ 1। तो वन ये जो बच गया ये 1 × i क्या लिखेंगे, i। तो i का पावर 4n + 1, यानी पावर जब भी 4n + 1 फॉर्मेट का होगा इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, i। अब देखो i का पावर 4n + 2, देखो यूक्लिड्स रिमाइंडर थ्योरम में तुम ये पढ़े हो कि जब 4 का मल्टीपल में कोई भी नंबर लिखते हैं तो देखो यही स्ट्रक्चर है ना जिसमें हम इसको लिख सकते हैं। देखो आइदर द नंबर इज ऑफ द फॉर्म 4n, 4n + 1, 4n + 2 और 4n + 3, सो आई एम यूजिंग दैट, ओके। तो अब यहां बताओ i टू द पावर 4n + 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, बताओ। ऐसे ब्रेकअप करो इतना -1 -1। हाँ वेरी गुड। अब बताओ आई टू दी पावर 4n + 3 कितना होगा। देखो आई क्यूब हमने राइट 4n + 3, तो आई का पावर 4n 1 हो गया और आई क्यूब कितना है -1 माइनस आई माइनस तो क्या लिखे। हाँ देखो 4n + 3 है तो देखो यहाँ आई क्यूब हो गया, तो i का पावर 4n 1 हो गया, i क्यूब कितना हुआ माइनस आई, सो द रिजल्ट इज माइनस आई। तो देखो दीज आर द वेरियस पावर्स ऑफ i। अब देखो एक पर्टिकुलर, पहले तुम्हें i का कॉम्बिनेशन सीखना पड़ेगा बिफोर आई प्रॉपरली गो टू द टॉप ऑफ रियल नंबर, टॉप ऑफ नंबर्स। अब एक और छोटा सा रिजल्ट देखो, इसका होल स्क्वायर हम लिखना चाहते हैं। देखो 1 + i का होल स्क्वायर, अब बताओ 1 + a + b होल स्क्वायर यूज करो तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 1 + i² + 2i, देखो ऐसा ही होगा ना। आई स्क्वायर कितना है बोलो, -1, तो 1 - 1 0 हो गया। यस ये वाला पार्ट, तो बच कितना गया 2i, करेक्ट। 1 - i का होल स्क्वायर क्या होगा बोलो, सिमिलरली अब तुम बताओ। 1 + i² - 2i, तो 1 + i² 0 हो गया। हाँ तो बच क्या गया, -2i बचेगा, 2i। तो देखो -2i I का पावर से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रखना ठीक है। पहले देखो इनफैक्ट इट विल बी बेटर इफ यू राइट इट डाउन, तो लिख भी लो सो दैट यू कैन यूज इट। तुम क्या लगाए थे, निकल गया थे। अगर साथ कहाँ है,
इसको मिटा दे बच्चे लेफ्ट साइड को. यस सर. तो देखो आई इज, आई को कॉमनली कहते हैं इनफैक्ट इट इज अ इमेजिनरी क्वांटिटी. सबसे पहला बात ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी, और इसे आयोटा कहा जाता है ठीक है. एंड दिस इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन. ये सबसे पहला बात. अब देखो ये सब जो मैंने बताया इसका यूज कैसे करते हैं. तो मान लो मैंने कोई भी पावर्स ऑफ आई दे दिया. सपोज मैंने दिया आई का पावर 41 प्लस आई का पावर 43 प्लस आई का पावर सपोज 45, आई का पावर से 52, और ऐसे मैंने दे दिया. और मैंने कहा कि इसका वैल्यू बताओ. यू वी कुड हैव रिटन एनीथिंग सपोज 50, 60. तो आप यहां ध्यान से देखो, यू राइट ईच पावर इन टर्म्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इसके फॉर्मेट में पहले लिखो. तो देखो क्या हम इसे आई को 4 into 41 को देखो ऐसा लिख सकते हैं. देखो इसको लिख सकते हैं 4 into 10 plus 3. इसको लिखेंगे 4 into 11 plus 1. 52 आई का पावर 4 into 13, और ये हो गया आई का पावर 4 into 14. देखो ऐसा लिख सकते हो. हाँ या ना. देखो आई हैव जस्ट एक्सप्रेस दीज नंबर्स इन दीज फॉर्म्स. अब बताओ ये 4n plus 1 का फॉर्म है तो इसका वैल्यू सीधा कितना होगा i? Yes. ये 4n plus 3 फॉर्म का है तो इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस i? अब बताओ अगला फिर से देखो 4n plus 1 फॉर्म का है 45 तो ये फिर से i हो गया. ये देखो ये आ गया तुम्हारा परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 4 यानी 1, और ये भी 1 हो गया. देखो ये कट गया तो ये 2 प्लस आई दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. देखो इसका यूज समझ पा रहे हो. यस. अब देखो इनफैक्ट इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे सवालों में. सपोज मैंने बोला इफ 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई से होल टू द पावर एन is a positive real number. And now I ask you, find least integral value of n. Integral value of n, where n is a natural number. If n is a natural number. तो अब यहां देखो सबसे पहले देखो square form में अगर है तो इसका value 2i और minus 2i होता है. देखो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे. 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और होल टू द पावर n बाई 2. देखो ऐसा लिख सकते हैं. देखो डिड यू अंडरस्टैंड द स्टेप. देखो ये पावर n था तो मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया. देखो होल टू दी पावर इसको क्या लिखते हैं, ए टू दी पावर एम बाई एन लिखते हैं. यस सर. तो देखो ये बाहर पावर एन बाई टू किया, अंदर स्क्वायर कर लिया. अब बताओ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, 2i होता है. देखो अभी अभी ये जो हम लोगों ने निकाला 1 माइनस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2i. माइनस 2i. देखो ऐसा लिखेंगे. यस सर. अब ये बताओ ये माइनस 1 का पावर n बाय 2 देखो ऐसा है. क्या मैं इसे फिर से स्क्वायर कर दिया और पावर n बाय 4 लिखा. देखो ऐसा पॉसिबल है, ये पावर को भी हाफ कर दिया. यस सर. अब बताओ ये 1 का पावर n बाय 4 आया तो n by 4 क्या होना चाहिए, ये एक इंटीजर होना चाहिए. यस सर. अब बताओ लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 1? क्योंकि मुझे लीस्ट वैल्यू चाहिए. देखो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n चाहिए.
तो n by 4, n should be perfectly divisible by 4, तभी ना ये power integer आएगा। Yes sir। तो ये least value 1 possible है, यानी n का lowest value क्या होगा? 4। Understood the use of this as well as this? देखो मैंने एकदम सिंपल एप्लीकेशन लिया जस्ट टू एक्सप्लेन कि हाँ इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड रिटन इट। यस सर। लिख लियो, मिटा दे इसे। यस सर। ओके, अब देखो वंस यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज आई, तो अब देखो आई को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो आई खुद क्या है, इमेजिनरी, तो ये अगर इमेजिनरी क्वांटिटी है yes, sir. तो इसको मैंने कोई भी जैसे टू आई अगर लिखा तो ये भी इमेजिनरी होगा कि नहीं? यस सर। इन जनरल इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ एनी नंबर व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ उससे इसका प्रोडक्ट क्या देगा, इमेजिनरी देगा, इमेजिनरी नंबर, करेक्ट। अब सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन समझो, अगर मैंने ऐसे कोई चीज लिखा x प्लस आई इंटू वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, ठीक है, अगर ऐसे कहते हैं तो x और y दोनों रियल है लेकिन इसको i से मल्टीप्लाई यहां किया, तो ऐसा किसी भी नंबर को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऐसे किसी भी नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ रियल नंबर प्लस एन इमेजिनरी नंबर, दैट गिव्स यू व्हाट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट। ये बात समझ में आया सबसे पहले? यस सर। अब देखो हायरार्की ऑफ नंबर्स में ये एक बेसिक सा बात याद रखना कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, टॉप ऑफ द लिस्ट में हमेशा याद रखो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है, z ये सबसे ऊपर है। अब यहीं पे देखो अगर मैंने y को जीरो कर दिया, ठीक है, देखो ये पार्ट वैनिश, ये पार्ट वैनिश हो गया, ये पार्ट वैनिश हो गया, तो तुम्हारे पास जो नंबर्स बचा वो हो गया रियल नंबर्स, ठीक है, और रियल नंबर्स के सेट को कैपिटल आर लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्स जीरो हो गया तो अब ये क्या बचा बताओ, ये सिर्फ इमेजिनरी बचा, देखो इतना इमेजिनरी, तो अब यहां पे आता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स का सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होता है बताओ, रैशनल, इरेशनल। रैशनल नंबर मतलब रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स में लिख सकते हैं इसको, और उसके बाद इसके अलावा क्या बचा, इरेशनल, और इसको लिखते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। और रैशनल नंबर्स का नोटेशन होता है बाय कैपिटल क्यू, ये हर नाम यूनिक है याद रखो, कहीं पे भी ऐसे बोलेगा कि हाँ इट इज रैशनल, मतलब इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म क्यू पी बाई क्यू, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। अब रैशनल के अंदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स का नोटेशन होता है आई भी लिखते हैं जेड भी लिखते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब इंटीजर्स के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, इंटीजर्स के अंदर जैसे देखो नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स को तुम लिखोगे z माइनस, करेक्ट, दैट मीन्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लाइक दिस, ओके। फिर तुम्हारा आता है होल नंबर्स, होल नंबर्स में जीरो, और इसको W से डिनोट करते हैं, जीरो वन टू थ्री अप टू जितना तुम लिखते हो। फिर अगला आएगा तुम्हारा नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको कहते हैं वन टू थ्री
ऐसे करके, मतलब नेचुरल नंबर्स में अगर जीरो को मिला दिया तो होल नंबर, और इसको लिखते हैं एन से। इसी के अंदर देखो आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स एंड इट इज वन एंड नंबर इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ। नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? When two numbers are prime and the difference between the two is two. Yes, very good. Composite numbers किसको बोलते हैं? Composite numbers किसको बोलते हैं बताओ? Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. What are composite numbers? No idea. Anyway, जो नहीं याद है वो हम बता देंगे। ये सब तुम लोग बचपन से पढ़ते आए हो, in fact fifth sixth standard से ही पढ़ते हो। Co-prime numbers किसको बोलते हैं? In fact नहीं जानते हो कोई बात नहीं, लिख लो। ये पहले hierarchy system लिख लिए हो। Have you copied it down? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अगर कर लियो तो ये लिखो, composite number लिखो, any natural number लिखो, any natural number which can be expressed as, any natural number which can be expressed as product of at least three natural numbers, at least three natural numbers is called a composite number, is called a composite number. ठीक है, और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है फोर, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। देखो वन इंटू टू इंटू टू लिख सकते हैं इसको। देखो तीन नेचुरल नंबर में ब्रेकअप हो गया, सिक्स को क्या लिख सकते हो? देखो वन इंटू टू इंटू थ्री लिख सकते हो, टू थ्री। देखो वन इंटू टू इंटू फोर भी लिख सकते हो, टू इंटू टू इंटू टू भी लिख सकते हो, है ना? तो कम से कम तीन नेचुरल नंबर में अगर हम किसी को ब्रेकअप कर सकें तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। अच्छा, व्हाट इज अ कोप्राइम नंबर? व्हाट आर कोप्राइम नंबर्स? तो लिख लो, इफ ए एंड बी, लिखो, इफ ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम, not necessarily prime, such that A is not divisible by B, such that A is not divisible by B, or vice versa, and their HCF is 1, and their HCF is 1, then the numbers are said to be co-prime. देखो example के तौर पे देखो, 4 is it a prime number? As well as 9, no, क्या ये prime number है? लेकिन क्या no, हम 4 को 9 से divide कर सकते हैं? No sir. नहीं, 4 9 को 4 से कर सकते हैं? दोनों का HCF कितना है? 1 है। तो ये जो पेयर है, तो आई विल से दिस पेयर इज को प्राइम, करेक्ट? आई विल से दिस पेयर इज को प्राइम। तो सिमिलरली अब मान लो मैंने यहां पे लिखा से 7 एज वेल एज 8, 7 और 8 दोनों ही ले लो। तो देखो भले यहां पे देखो 8 प्राइम नहीं है, बट 7 एंड 8 एज अ पेयर दे फॉर्म को प्राइम। ओके,
ये पीछे कुत्ता भाग रहा है, तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं होता है? शुड आई रब दिस? सो दिस इज द हायरार्की ऑफ नंबर्स. ये सबसे पहला बेसिक बात याद रखना. सो ऑल नंबर्स, अब यहां से देखो, ये इसलिए बताया कि क्योंकि सारे नंबर्स एक्चुअली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो एटलीस्ट इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी चाहिए. इन ब्रीफ, हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जितना आगे पढ़ने के लिए चाहिए उतना बता दे रहे हैं. एक काम करो, म्यूट कर लो तुम. नाउ फोकस हियर, जब भी दिक्कत होगा तब खोल के बोलना. और क्लास करने जब बैठो तो ऐसे जगह बैठो जहां पे थोड़ा शांति हो और नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर हो, क्योंकि इसमें तभी तुम फोकस कर पाओगे, अदरवाइज इतने डिस्टर्बेंस में नहीं कर पाओगे. तो देखो, सबसे पहला बात है कि इफ यू हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस, तो बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो बेसिक ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन होता है इक्वालिटी, याद रखो. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है हम कब कहेंगे? तो ऐसा करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i टाइम्स y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i टाइम्स y2. अब z1 और z2 बराबर कब होगा? तो देखो, x1 प्लस iy1 x2 प्लस iy2 के बराबर कर दिया मैंने. x2 को लेफ्ट में ले आओ तो x1 माइनस x2, अब इसको राइट में ले जाओ तो iy2 माइनस iy1. i देखो कॉमन ले सकते हैं, तो x1 माइनस x2 इज i टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1. अब होल स्क्वायर कर लो, तो होल स्क्वायर करते हो तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर i स्क्वायर टाइम्स y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देखो होता है i स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 1. तो हमने यहां पे रिप्लेस कर दिया एंड दिस इज माइनस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब ये टर्म को लेफ्ट में ले आओ तो देखो क्या लिखोगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देखो ऐसा लिख सकते हैं. अब ये बताओ, सम ऑफ टू स्क्वायर्स व्हेन कैन इट बी इक्वल टू 0? देखो ये दो स्क्वायर्स है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इट कैन बी इक्वल टू 0 इफ ईच वन ऑफ देम इज इक्वल टू 0. दिस एंड y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, यानी x1 शुड बी इक्वल टू x2 एंड पैरेलली y2 शुड बी इक्वल टू y1. देखो ये दोनों अगर बराबर है, यानी रियल पार्ट रियल के साथ बराबर है, इमेजिनरी पार्ट, देखो y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब है? देखो, जब दोनों का रियल कंपोनेंट और दोनों का इमेजिनरी कंपोनेंट, इफ दे आर इक्वल देन ओनली यू विल से दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल. इसको लिख लो पहले. देखो समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर. Have you written it down? Likh lo. लिखना हो गया अक्षता? यस सर. अब नेक्स्ट बेसिक ऑपरेशन होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, सी दीज थिंग्स विल बी नेसेसरी व्हेन वी विल बी स्टडिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस.
सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसमें कैसे करते हैं, देखो देखो यहां पे एक बात याद रखना, रियल के साथ रियल ऐड करोगे, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी. एडिशन इज ऑलवेज डन लाइक दिस, z1 प्लस z2, देखो रियल के साथ रियल यानी x1 के साथ x2, और i दोनों में कॉमन ले जाओ y1 प्लस y2. देखो दिस इज हाउ आई विल परफॉर्म एडिशन. सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी यही चीज करना है, रियल में से रियल ही सब्ट्रैक्ट होगा यानी x1 माइनस x2 और प्लस i टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2. ठीक है, so that is how addition is to be done. I'll take numerical examples, lekin ye kam se kam sikha dete hain uske baad. Multiplication dekho, yahan aise karna hai. Suppose z1 is your x1 plus i times of y1, z2 is x2 plus i times of y2. Now if I want to multiply them z1 into z2, so x1 plus i times y1 into x2 plus i times y2. This is how you will write. Ab inko multiply kar lo to dekho x1 x2 i times of x1 y2 i times of y1 x2, aur dekho i into i is i square times of y1 y2. Dekho i square is equal to minus 1, to ye purely real ho gaya. To isko iske sath hum likhenge aise x1 x2 minus y1 y2 or plus i times, ye common le jao dono mein se, it will be x1 y2 or plus y1 x2. Dekho this is your product. Ab main numerical examples leke pehle batata hu ki how do you in fact apply that. Ye samajh mein aaya addition subtraction multiplication. Have you written this? Hello. ये लिखना हो गया बच्चे? Can you hear me? So I'm able to hear you. So I asked you, didn't respond. That is why I have written it in chat. ये लिख चुके हो? Sir, actually it was mute. That way I responded, but you didn't hear. Okay, ये लिखना हो गया? और ये समझ में आया? Addition, subtraction, multiplication कैसे करना है? देखो लेट मी जस्ट गिव यू न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स कपल ऑफ देम. ओके देखो मान लो मैंने यहां पे लिखा से माइनस हाफ प्लस टू आई और यहां है सपोज थ्री माइनस फोर आई. देखो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई हैव रिटन हियर. तो सपोज इसका सम निकालना है तो सिंपली देखो माइनस हाफ प्लस थ्री एक साथ गया, ये दोनों में से देखो ये टू आई माइनस ऑफ फोर आई, तो दिस इज सिंपली हाउ मच
टू एंड हाफ यानी 5/2 माइनस 2y। तो देखो अगर ऐड करना है तो देखो रियल के साथ रियल ऐड करोगे, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, ठीक है। सेम वे अगर सब्ट्रैक्शन करना है, मान लो 2 माइनस 3i माइनस ऑफ से 3/2 प्लस 4i, देखो ये करना है। तो सब्ट्रैक्शन भी करना है तो देखो 2 माइनस 3/2 माइनस 3i माइनस 4i, सो दिस विल बी हाउ मच, हाफ माइनस ऑफ 7i, करेक्ट। देखो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज डन रियल विथ रियल और इमेजिनरी विथ इमेजिनरी। अब यही चीज अगर मल्टीप्लाई करना हो तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए इनफैक्ट तुमको ऐसे करना है, देखो माइनस हाफ प्लस 2i, मान लो यही नंबर मैंने ले लिया, इनटू 3 माइनस 4i। देखो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया है वैसे ही करना है। तो देखो माइनस हाफ इंटू 3, करेक्ट। अगला हो गया माइनस हाफ इंटू माइनस ऑफ 4i, नेक्स्ट हो गया 2i इंटू 3, और ये हो गया 2i इंटू माइनस ऑफ 4i। तो देखो दिस इज माइनस 3/2, दिस इज प्लस 2i प्लस 6i, और ये हो गया माइनस 8i स्क्वायर। I स्क्वायर इज माइनस 1, सो यू आर गेटिंग 8 माइनस 3/2 और प्लस 8i। So 16 minus 3, that is 13/2 plus 8i, correct? So this is how you will carry on multiplication, okay? Did you understand this? Yes, sir. Okay, should I rub all this? देखो फोर्थ बेसिक ऑपरेशन इज एक्चुअली कॉन्जुगेट। फोर्थ ऑपरेशन इज कॉन्जुगेट। देखो अगर z इक्वल टू x प्लस iy होता है तो हम z बार इक्वल टू x माइनस iy इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z, okay? देखो खाली बस इमेजिनरी पार्ट को अपोजिट कर देना और इसका नोटेशन होता है एक बार से, ठीक है। मैं इसका भी दो तीन एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। मान लो मैंने ऐसे लिखा कि फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ से 3 + 4i इंटू 2 - i, मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट निकालो। तो देखो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम यहां ले आओ इस फॉर्म में। तो अगर हम पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 = 6 माइनस ऑफ 3i प्लस 8i माइनस ऑफ 4i स्क्वायर। सी i स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये प्लस 4 हो गया, तो 10 प्लस 5i। देखो ये नंबर इतना आया तो इसका कॉन्जुगेट हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस ऑफ 5i, देखो ऐसा लिखेंगे। सो दिस इज द कॉन्जुगेट, ओके। देखो डिड यू अंडरस्टैंड दिस?